नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफिल मिरर, हर पल आपके साथ। चलती भागती और सेल्फिश दौर में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, गरीब लोगों के बारे में सोच रहे हैं। आज हमारे दरमियान ह्यूमन राइट काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, जो इनके रूहे रवा हैं, जो करता धरता हैं, मिस्टर सरदार जगजीत सिंह साहब, हम लोग उनके ऑफिस रानीगंज में हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो सोशल काम करने के लिए कैसे मोटिवेट हुए, मोटिवेटेड के साथ इन्होंने अब तक पब्लिक के लिए क्या किया और फ्यूचर में इनका क्या इरादा है। हमारे चैनल में आपका वेलकम है धन्यवाद आप लोगों का भी। सर, सबसे पहले आप अपने बारे बताओ कि आपकी बचपना कहाँ गुजरी और पढ़ाई लिखाई कहाँ हुआ। देखिए, बचपन मेरा बहुत दुख तकलीफ से गुजरा है, क्योंकि 84 का दंगा में मेरा पेरेंट्स गुजरे थे, उसका इफेक्ट अपना दिल में था। उसको लेते हुए कभी इधर कभी उधर हम स्थाई नहीं बोल पाएंगे कहाँ पे थे। कभी आसनसोल में भी थे, कभी दुर्गापुर, कभी पटना, कभी पंजाब, ऐसे करके हम भरे हुए हैं। अपना पढ़ाई लिखाई इनकम्प्लीट था, अभी भी हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपना स्टडी एज यूजल में चलाया जा रहा है। अभी भी बहुत स्ट्रगल रहा बचपना, बहुत स्ट्रगल रहा, बहुत दुख भरी रहा, ऐसा रहा कि दाने दाने के लिए मोहताज भी रहना पड़ा। ये तो मैंने बस कृपा था ऊपर वाले का कि सरवाइव कर लिया, तो कहीं ना कहीं वहीं से मोटिवेशन मेरे को मिला था। अभी आप क्या कर रहे हो, बिजनेस से तब जुड़े हो? अभी मेरा बिजनेस जैसा ट्रांसपोर्टेशन है, अच्छा। अपना सतनाम ट्रेडर्स अपना कंपनी है जो ट्रेडिंग के ऊपर काम करता है, खास करके रिफैक्ट्री आइटम्स हो गया या फिर आपका बेसिकली रॉ मटेरियल्स हो गया, ये सब का ट्रेडिंग के ऊपर काम करता है। मेरा वाइफ का भी बिजनेस है, उनका भी बोटिक्स है, ठीक है, ये मेरा प्रोफेशन है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल होना चाहिए, ये बात आपको दिमाग में कब आया? एक्चुअल ह्यूमन राइट्स काउंसिल होना चाहिए कैसे आया? ये मेरा दिमाग में आया तब जब हम खुद सर्वाइव करते थे, जब हम सर्वाइव करते थे बचपन में, जब देखा जाता था कि बच्चे लोग स्कूल जाते हैं लेकिन हम नहीं जा पाते, क्योंकि मैं अनाथ था। तो मान लीजिए बुआ का घर में हम था, बुआ मेरे को खाना पीना दिया था, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल जाना मेरे लिए फाउंडेशन था, या फिर वो स्कूल का दरवाज़ा मेरे लिए खुला नहीं था जो और बच्चों के लिए रहता है, जिनका पेरेंट्स रहता है। लेकिन शौक और ख्वाहिश जो है वो दिल में था, तो वहीं से ये चीज़ दिल में आया कि ये राइट्स जो है इसको अधिकार बोलता है, और एज अ ह्यूमन बींग ये ह्यूमन राइट्स हुआ। कितने लोग जुड़े हैं अब तक आपसे? करीब करीब मोर और लेस देन 20,000। अच्छा, कितना साल हो रहा है ये एस्टेब्लिश किया हुआ? ह्यूमन राइट्स काउंसिल को एस्टेब्लिश किया अभी मेरा 3 साल ही हुआ। अच्छा, 3 साल में हम लोग देखने बहुत कुछ किए हैं, कुछ ऐसा यादगार चीज़ जो आप हेल्प किए हम लोगों को? देखिए, हर एक मोमेंट जो है मेरे लिए और मेरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मेरा मेंबर्स के लिए यादगारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं गरीब का ट्रीटमेंट कराना, कहीं ना कहीं उन लोगों में वस्त्र वितरण कराना, कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ब्लड का इंतजाम कराना, ये हर कोई काम जो है ये मेमोरेबल ही होता है अपने लिए। इसको जब हम डिसमेमोरियल सोचेंगे या फिर इसको ऑनर कम देंगे, तब शायद हम ये काम कर नहीं पाएंगे। अभी हर काम को हम इज्जत प्रायोरिटी से हम देते हैं, इसीलिए कर पाते हैं। सोसाइटी में अभी जो हम लोग घूम रहे हैं, सोसाइटी में जो देख रहे हैं, क्या लगता है कि और कुछ काम होना चाहिए गरीबों के लिए? जी, एकदम होना चाहिए। क्या लगता है क्या होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहीं पे जिस जगह में हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारा भिखारी देखते हैं, जो लोग सीनियर सिटीजन हैं वो लोग बैठ के भीख मांग रहा है, तो ये पावर हम लोगों का नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि इन लोगों का बैकग्राउंड पता चले, बैकग्राउंड पता चल के इन लोगों का लाइबिलिटी है, बच्चा अगर है इनका तो इनका बच्चा उनका टेक ओवर करे, उनका ध्यान रखे, वो क्यों नहीं रखते हैं, ये क्वेश्चन मार्क कहा जाता है। इसका आंसर हम लोगों को ढूंढना है। अगर गरीब बच्चा सोसाइटी में घूम रहा है, वो अगर भीख मांग रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है? चाइल्ड ट्रैफिकिंग नहीं ना है वो? उसका एक क्वेश्चन मार्क समाज के ऊपर आ जाता है, उसका आंसर हम लोगों को ढूंढना है। तो ये सब चीज़ लेके ह्यूमन राइट्स काउंसिल या फिर मैं जो है मेरा संगठन बहुत सालों से ये काम करते हैं, जिसके लिए ऑनरेबल स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, उनका स्टेट कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट, ये हम लोग का एनसीपीसीआर नेशनल स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट दिल्ली सरकार का, ये लोग काफ़ी सारे थैंकिंग लेटर अपने को भेजे हैं, लेकिन थैंकिंग लेटर से सिर्फ काम नहीं होता है, फील्ड वर्क जमीन में हम लोगों को उतार के काम करना है। कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों को गवर्नमेंट का सपोर्ट भी ज़रूरत है, अदरवाइज ये करना क्वाइट इम्पॉसिबल है। अच्छा, ह्यूमन राइट का हम लोग देखते हैं सोसाइटी में एक जाल बिछा हुआ, लेकिन जमीनी स्तर पर हम लोग को ऐसा कुछ काम दिखाई नहीं देता। इसके लिए भी हम ही लोग जिम्मेदार हैं, कि इस तरह जिम्मेदार है कि हम लोगों को पता नहीं कौन चीज़ सही है कौन चीज़ गलत है। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, हम खुद देखे हैं। एक्चुअल मैं पहले नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल में था, जिसका चेयरमैन कोलकाता में था, मैं एज अ वाइस चेयरमैन ऑल इंडिया काम किया हूँ, तो वहाँ पर भी आप मेरा प्रोफाइल चेक कीजिएगा, बहुत सारा काम देख पाइएगा हम किए हैं। एक आपका जो मेरे को यादगार आप बोले ना, वो याद मेरे को आ गया, एक शायद क्या नाम है उसका, अपना कोलकाता से थोड़ा इधर हुगली डिस्ट्रिक्ट का,
हुगली डिस्ट्रिक्ट का एक आलू चुनने वाली भिखारी थी, कोल्ड स्टोर का बाहर से वो आलू चुनती थी, वो चुना हुआ आलू बेच के उसका परिवार चलता था। एक दिन वो आलू चुनने गया, वहाँ पे उनको एक बच्ची मिला। अच्छा, वो बच्ची को अडॉप्ट कर ली। एडॉप्शन का कोई फॉर्मेलिटी नहीं किया था, 12-15 साल पहले वो उसको रख लिया, वही आलू बेच के उसको क्लास 10 तक पढ़ाया। उसका बाद वो जब बुजुर्ग बन गई, जब एजेड बन गई, उनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, तो उस टाइम जो है एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल हम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लिया था। वो भी आप लोगों का मीडिया दोस्तों के चलते पब्लिश हुआ था, लेकिन जितना दिन मेरे से बना, मेरा ऑर्गेनाइजेशन से बना, उतना दिन हम उसको कर पाए। उसका बाद कहीं ना कहीं हमको भी स्टॉप होना पड़ा, क्योंकि हम लोगों का सोर्स ऑफ इनकम इसमें नहीं है, या फिर गवर्नमेंटल कोई इकोनॉमिकल सपोर्ट हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है, इसलिए हम लोगों को स्टॉप करना पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं उनका वो जो बोल्ड मेंटेलिटी है, जहाँ पे वो चुना हुआ आलू बेच के अपना पेट पालती है, उसी जगह में एक बच्ची को बड़ा करना, पढ़ाई लिखाई कराना, उसका बाद कोलकाता जैसे शहर में उसका शादी भी कराया। लेकिन जब वो बुजुर्ग हो गया, उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो खैर हम लोग 2 साल के लिए उसको अडॉप्ट किए थे। 2 साल का उनका मेडिकल, उनका खाना पीना हम लोग प्रोवाइड किए। अच्छा, एक है कि आप तो रानीगंज में हो, स्पेशल हम लोग देख रहे हैं रानीगंज में जो प्रॉब्लम है वो जाम का बहुत प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग आए, गुजनल आए, फेल हो गया, तो क्या लगता है, क्या रानीगंज में जाम का प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा? देखिए, जाम का प्रॉब्लम कैसे करके सॉल्व हो सकता है, क्योंकि रोड तो चौड़ा होने वाला जगह हम लोगों का है नहीं। अच्छा, ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दोषारोप करने वाला एक काम हो गया कि एडमिनिस्ट्रेशन आपको प्रेशर नहीं करता, मेरे को प्रेशर नहीं करता, लेकिन एक एक घर में देखिए 2-2, 3-3 कार है, ठीक है, इस घर में आदमी 2 लेकिन कार 4, तो कार तो रोड में ही दौड़ती है। अभी रोड को चौड़ा करने के लिए गरीब का दुकान तोड़ना पड़ेगा या फिर किसी का घर तोड़ना पड़ेगा। जब आप तोड़ने जाओगे तब एडमिनिस्ट्रेशन खराब, सरकार खराब, ये चीज़ उठेगा, विरोधी राजनीति दल और इसको तमाशा बनाएगा, तो इसमें तो कहीं ना कहीं हम लोग ही सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा। इसका सॉल्यूशन मेरे को लगता है अगर गवर्नमेंट एक उनका एडमिनिस्ट्रेशन का टीम बनाता है, टीम बना के इस चीज़ के ऊपर पाबंदी किया जाता है कि एक फैमिली के लिए इतना कार निर्धारित हो, या फिर आज का डेट में जो टोटो लेकर जो इशू आ रहा है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारा अंडर एज बच्चे लोग भी टोटो अभी चला रहे हैं, या फिर टोटो को एज अ प्रोफेशनल कोई लोग ले लिया कि 10 टोटो खरीद के वो लोग रेंट में दे देते हैं, ऐसा काफ़ी सारे इश्यूज हम लोग सुने हैं। अभी तक कोई रिटर्न एविडेंस इनका अपने पास है नहीं, इसीलिए हम बोल्डली कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सारी चीज को सॉल्व किया था। आपका जहाँ टोटो का इशू, तो टोटो तो रोजगार को रोजगार भी दे रही, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, रोजगार दे रही है। लेकिन आप अगर एक ही साथ सब कुछ चाहोगे कि रोजगार भी अपने को चाहिए लेकिन सड़क में जैम भी ना हो, ये तो हो नहीं सकता। मेट्रोपॉलिटन सिटी कोलकाता है, अगर आप चाहोगे कि वहाँ पे जैम ना हो, ये तो हो नहीं सकता। आपको अगर रोजगार चाहिए और साथ में अगर आपका फ्री रोड भी चाहिए, ये आप कैसे करके प्रोवाइड करोगे? ये प्रोवाइड करना मेरे को लगता है टफ है। कुछ कुछ जगह हम लोगों को मानना चाहिए कि गवर्नमेंट अगर इतना अपॉर्चुनिटीज अपने को दे रहा है कि टोटो के माध्यम से हम लोगों का गरीब घरों में रोटी आ रहा है, उसको अगर बंद नहीं करा रहा है, तो इस जगह में हम लोगों को कम्प्रोमाइज़ करना है। क्योंकि हम लोग क्या लगता है, कुछ हम लोगों को भी खामी है जाम में? हम लोगों का खामी एक ही जगह में, अनवांटेड व्हीकल्स अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो वो खामी है। अच्छा, बेसिक नीड से बढ़कर जब इंसान का वांट आ जाता है, तब खामी बढ़ना शुरू हो जाता है। जब चादर से बाहर हम लोग पैर बिछाना शुरू कर देते हैं ना, तब खामी आ जाता है कि मेरे को शो ऑफ के लिए 4 कार रखना है, 4 कार लेके मेरे को निकलना है, इसमें अपना खामी आ जाता है। जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसको अगर एडमिनिस्ट्रेशन ना फॉलो करे, उसमें खामी आता है। जैसे फुटपाथ बनाया गया है रोड को हम लोगों को चलने के लिए, साधारण आदमी को, उसमें अगर कोई इलीगली दुकान करता है, उसको उठाना है। वो रगा अगर खाली रहेगा तो हम लोग फुटपाथ में वॉक कर पाएंगे, चल कर पाएंगे, तो गाड़ी वाहन अपना रोड में जाएगा, हम लोग अपना चल के फुटपाथ से जाएंगे, मसला मैंने निकलता हुआ दिखाई देगा, निकलता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, जो लोग आप लोग से जुड़ना चाहते हैं, ह्यूमन राइट्स काउंसिल से वो लोग चाहते हैं कि जुड़े, आपका प्रोसीजर क्या है, कैसे जुड़ते? देखिए, जैसे कि आप जैसे कुछ देर पहले आप ही का सवाल था कि बहुत सारे ऐसे संगठन है, लेकिन जो लोग मिट्टी में आके समाज का काम नहीं करता है, ऐसा बहुत सारा संगठन में आप देखिएगा, 99% में वेबसाइट में उन लोगों का फॉर्म दिया हुआ, अकाउंट नंबर दिया हुआ, आप फॉर्म फिलअप करो, अकाउंट में डोनेशन दो, मेंबर बन जाओ। हम लोगों का वेबसाइट में जाइएगा, आपको अकाउंट नंबर जरूर मिलेगा, लेकिन फॉर्म नहीं मिलेगा। अकाउंट नंबर में आज तक 1 पैसा डोनेशन हम लोगों का आया नहीं है, आज तक का। और आपका फॉर्म हम लोग इसीलिए नहीं रखे हैं क्योंकि वेबसाइट में बराबर आकर के लिखा हुआ है, कोई क्रिमिनल मेंटेलिटी, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला लोग कृपया करके फ़ोन भी मत करके पूछिएगा मत कि मेंबरशिप कैसे मिल सकता है। क्योंकि एक बांग्ला में कहावत है ना कि दुष्टो गुरु थे सुगनो गोल हलो। अच्छा, तो हम लोग उस मेंटेलिटी का आदमी है। अच्छा, कि हमारे पास 4 आदमी रहे, लेकिन जो लोग समाज के लिए हितकारी काम करे वैसा आदमी रहे। तो क्या आपसे कॉन्टेक्ट करिए, ऑफिस में आदमी ले? जी, हम लोग का हर डिस्ट्रिक्ट में आदमी है, हर जगह में आदमी है, हम लोग का हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। सबसे पहला आदमी कहीं का भी उसका PVC रहे, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट उनका क्लियर हो,
उनका इंटेंशन क्लियर हो, सोशल इंटेंशन के लेकर आए कि हाँ समाज में कुछ अच्छा काम करना है, साथ ही साथ सामाजिक कुछ ऑनर अपने को पाना है। इस काम करने के तो हम लोगों का पेट नहीं चलता, रोजी रोटी नहीं चलता, क्या मिलता है? एक सामाजिक ऑनर मिलता है, सोशल ऑनर। ये चाहिदा अगर किसी के अंदर रहता है तो हो सकता है होपफुली वो आदमी या फिर वो इंसान समाज के लिए सही काम करे। अदर देन सही काम नहीं करेगा, वो सेल्फ बेनिफिट के लिए सोचेगा जो सोशल के लिए हानिकारक होगा, वैसा आदमी हम लोगों को नहीं चाहिए। आपका बचपना तो स्ट्रगल वाला गुजरा, उसके बाद आप उसके स्ट्रगल करते करते अभी आप सेटल भी हो, सोशल काम भी कर रहे हो, ये जो ह्यूमन राइट काउंसिल है फ्यूचर में इसको कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? देखिए फ्यूचर में तो इसको मेरा काफ़ी हद तक शौक है कि ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ना रहे। खैर आज का डेट में ही नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में जितना एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है बाय नेम पहचानता है, क्योंकि ऐसा काम हम लोग कर चुके हैं, इनफैक्ट इसको कंटिन्यू रखे हैं आज तक, तो इसको और आगे ले जाना है। खास करके मेरा होम टाउन, होम सिटी मेरा वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में इसको और ज़्यादा स्प्रेड करना है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में हम लोगों को कोऑपरेशन भी ज़्यादा मिलता है, गवर्नमेंटल सपोर्ट ज़्यादा मिलता है। लोग देख रहे हैं इन दिनों जो शहर में मॉब लिंचिंग का जो घटना बढ़ रहा है, इस पर कैसे कंट्रोल पाया जा सकता है? इससे पहले हम लोगों को आपा को कंट्रोल करना चाहिए, अपने क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए। आदमी क्या करता है, एक चोर को पकड़ के उसको मार दिया, इसमें सोल्यूशन नहीं होगा, क्राइम बढ़ेगा। हम गलत चीज़ करेंगे तो आने वाले दिन में मेरा बच्चा भी गलत चीज़ें सीखेगा। एडमिनिस्ट्रेशन खास करके वेस्ट बंगाल स्टेट का बहुत एक्टिव है, हम खुद काम करते हैं, देखते हैं विद इन एक टेलीफोन कॉल में ADCP CP काम करते हैं, वो लोग एक्टिव हैं, ICS एक्टिव हैं, तो उन लोगों को इन्फॉर्म कीजिए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उन लोगों को इन्फॉर्म कीजिए, हम लोगों का नंबर है हम लोगों को इन्फॉर्म कीजिए। ऐसा सोशल्स में बहुत सारे क्लब्स हैं, जो लोग एक्टिव हैं उन लोगों को इन्फॉर्म कीजिए, लेकिन ये चीज़ गलत है, किसी को पकड़ के उसको पीटना मारना ये गलत है, इसको कानून को अपना हाथ में लेना, इसका कभी भी सपोर्ट हम करेंगे नहीं, इसका हम निंदा ही करेंगे और ये विनती भी करेंगे समाजवासियों से ताकि ये गलत चीज़ ना करें। ह्यूमन राइट काउंसिल जो है आपका, इसमें मेन थीम क्या है, क्या लगता है कि ज़्यादा इस पर काम होना चाहिए? ह्यूमन राइट्स काउंसिल और ख़ास करके मेरा संगठन का मेन थीम तीन चीज़ के ऊपर है, एक चाइल्ड प्रोटेक्शन है, दूसरा आपका वुमेन प्रोटेक्शन है, तीसरा है सीनियर सिटीजन है। ये तीनों के ऊपर अगर आज देखा जाए तो गंदगी दुर्नीति बहुत ज़्यादा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन में जैसे कि मान लीजिए पिछले 4-5 सालों से हम लोग कंटिन्यू एक सर्वे चलाए जा रहे हैं, जिसको लेके ऑनरेबल स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल उनका कमीशन का चेयरपर्सन भी अपने को थैंकिंग लेटर भेजा था कि चाइल्ड बेगर्स को लेकर हम सोचते हैं, चाइल्ड लेबर्स को लेकर हम सोचते हैं कि उन लोगों को उनका अधिकार, उनका बचपना वापस दिया जाए। RTI राइट टू एजुकेशन के एक्ट का द्वारा उनको पढ़ाई लिखाई दिया जाए, उनको खाना पीना दिया जाए, जो हम लोगों का गवर्नमेंट ICBC का द्वारा देता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जगह में इन लोगों तक पहुँचता नहीं है, मिसमैच हो रहा है। उस लाइन को हम लोगों को चॉकआउट करना है, वो जगह को क्लियर करना है, ताकि बच्चा अगर आज पढ़ाई लिखाई कर पाएगा, उनको पोषण न्यूट्रिशन अगर सही से मिलेगा, कल दिन अपना राज्य और अच्छा रहेगा। दूसरा जो इशू आपका वुमेन प्रोटेक्शन है, जैसे कि मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस हम लोग अभी घर घर में देख पाते हैं, नेवी होगा महीना 2-3-4 केस हम लोगों का ऐसा आता है जो विभिन्न जगह से, जैसे रिसेंटली लास्ट वीक हम एक कंप्लेन का ऊपर केस किए थे आपका मुर्शिदाबाद में जियागंज थाना के अंतर्गत, तो जिसमें मेरे को ऑनरेबल स्टेट गवर्नमेंट बहुत हेल्प किया था, ठीक है, उनको हम रिटर्न अपील भी किए थे केस का गंभीरता को देखते हुए कि इसमें आप इंटरफेयर कीजिए और आप मेरे को सपोर्ट भी कीजिए, तो वो टोटल SP DSP अपना जियागंज का IC सबको फ़ोन करके कोऑपरेट करा दिया था, कोऑपरेशन कराया था, जिसका चलते हम लोग विक्टिम को घर घुसा कर पाए। तो ये बंगाल में हर जगह में देखते हैं कि एक दूसरा घर में जाइएगा शादी का बाद पीरन, उसको उत्पीड़ित करना, दहेज के लिए मांग करना, ये सब चीज़ होता है। जैसे कि अभी भी देखिए मेरे पास एक इन्विटेशन लेटर आया हुआ है, जिसमें यही मोहल्ले का एक जन लिख के दिया है कि बेटी का शादी है, हम आपसे अनुरोध करते हैं कहीं से आप लोग जो है एक LED TV का बंदोबस्त करके दीजिए, तो कहीं ना कहीं ये दहेज देना ही हुआ, ठीक है। इनको हम बोले थे कि ये तो भाई दहेज देना है, ये हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दहेज देना भी गुनाह है तो लेना भी गुनाह है, उसमें हम लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। वो मजबूर औरत हाथ जोड़ के रोने लगी, तो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं, लड़की का ब्याह नहीं होगा। तो ये सोच जो है ये हम लोगों का समाजवासी का सोच है, हम लोगों का अपना सोच को चमकाना है। जैसे घर में पर्दा अगर मैला हो जाता है ना, उसको हम लोग साफ करते हैं, दहेज के लिए कुछ होना इंतजाम होना चाहिए, उसको रोक के लिए कुछ रोके, कहीं ना कहीं हम लोगों का दिमाग में और मन में वो मैला बैठ गया है जिसको साफ करने की जरूरत है। अच्छा, अब तीसरा भी क्या आ रहा है? तीसरा हो गया सीनियर सिटीजन है, जैसा आप अभी चले जाइए मजा शरीफ का बाहर, देखिए कम से कम 70 साल का भिखारी भी आपको मिलेगा, वो अगर बैठा हुआ है 70 साल, मतलब वो अपना युवा पीढ़ी भी पार करके आया है, तब जाके आज सीनियर सिटीजन बना है, तो उसके बच्चे भी होंगे, बच्चियाँ भी होंगे, अगर है तो वो लोग कहाँ पे, देखिए वो लोग कहीं ना कहीं पर सेटल्ड है, लेकिन माँ बाप बुरा होने के कारण उसका घर से निकाल दिया। चलिए आपसे आखिर सवाल ये है कि अभी हम लोग देख रहे हैं, मैंने आज के दौर में न्यू जनरेशन जो है वो बड़े लोगों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा,
ऐसे ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है? ये तो गंदी है, जैसे कि हम आपको क्या बोले, कहीं ना कहीं हम लोगों को अपना सोच अपना मन को साफ करना है, ये गंदगी तो हम ही लोग कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए आज बेटा बैठ के कुछ जगह में हम देखें, ये पंजाबी मैंने रिलीजन को हम इंडिकेट नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी ये पंजाबी रिलीजन में हम काफ़ी सारे देखे हैं आ रहा आस्ते आस्ते उसमें भी आ रहा है कि वो लोग जो है ड्रिंकिंग हैबिट बहुत ज़्यादा है। यानी यहाँ पे खास करके मेरे को भी देखता है ना, तो यहाँ का रिलीजन लोग ही बोलते हैं यार आप कैसे सरदार हो गए, आप वेजिटेरियन हो, आप लोग कुछ खाते पीते नहीं हो। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग अपना मजाक बना दिए हैं, और ये चीज़ देख के जो है कमिंग जनरेशन वो सीख रहा है कि भाई स्मोक करना बहुत अच्छा है। जैसे कुछ दिन पहले हम रानीगंज में 15 या 14 अगस्त को कराए थे, स्टेशन का जो चाइल्ड बेघर है उन लोगों को लेकर एक कैंपेनिंग कराए थे, उन लोगों को फूडिंग कैंपेनिंग या फिर 15 अगस्त का अवेयरनेस भी उन लोगों को दिया गया था, जिसमें हम अनुरोध किए थे कि जैसे कि मान लीजिए डेंड्राइट का नशा, सिगरेट का नशा, ये सब जो हो रहा है कोई ना कोई दुकानदार तो बेच रहा है, अपना 2 पैसा प्रॉफिट का चलते वो अगले को बेच दे रहा है, देखना नहीं है वो अंडर एज है या फिर एकदम ही बच्चा है, जो भी उसको दे रहा है 2 पैसा कमाने के लिए। तो हम उनसे यही क्वेश्चन किए थे कि भाई आपका घर में भी बच्चा है, आज हम ऐसा करेंगे मेरा बच्चा कल दूसरा दुकान में जाकर खरीद लेगा, तो आपका भी बच्चा है, ये विनती समाजवासियों से है कि आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट को गाली ना देकर अपने आप को गाली दीजिए और सुधार लीजिए। मैसेज क्या, नए नस्ल क्या मैसेज है? नए नस्लों के लिए यही मैसेज है कि समाजवासी अगर ये चीज़ छोड़ दे, आज अगर मेरा दुकान होता है ड्रग्स का, सिगरेट का, बीड़ी का, खैनी का, अगर हम अंडर एज को ना बेचें, अंडर एज को मिलेगा कैसे, लेकिन हम 2 पैसा प्रॉफिट के लिए हम ये चीज़ बेच देते हैं, जिसके लिए नशा वायरल होता है वो देख रहा है एक सीनियर आदमी के पास से हम खरीद रहे हैं, तो हम वहीं पर धराएंगे वहीं पर पियेंगे, ऐसे करके समाज में गंदगी बढ़ रहा है। तो ये गंदगी कहीं ना कहीं हम समाजवासियों के चलते बढ़ता है, इसके लिए पॉलिटिशियन को या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को गाली देना बेवकूफ़ी हो। नशा पे काबू कैसे हो? नशा पे काबू हम लोग तभी कर पाएंगे जब इसके ऊपर हम लोग नियंत्रण ला पाएंगे, नियंत्रण हम लोग तभी ला पाएंगे जैसे कि हम बोले जब हम लोग बेचने पे रोक लगाएंगे। कोई कोई पर्टिकुलर चीज़ है कि जिसको 18 साल का ऊपर बेचा जाता है, सिगरेट स्मोकिंग एक ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी बच्चे लोग पीते हैं। लेकिन उसके लिए एक लागू जैसा हम लोगों का मेवाड़ साहब भी कुछ दिन पहले किए थे कि सिगरेट का ऊपर रोक लगाओ ये चीज़, लेकिन वो तो एक दिन निकलेंगे एक दिन करेंगे, बाकी सोच तो हम लोगों का गुटका हम लोगों का समाजवासी का होना चाहिए कि चलो जब एक गवर्नमेंट का तरफ से भी ऐसा प्रपोजल आ रहा है, समाजवासी भी ऐसे चाह रहा है कि हम लोग इसको अंडर एज को ना बेचें, लेकिन लालच का चलते बेचता है। बंगाल में हम रहते हैं और बंगालों का विशेष उत्सव है दुर्गा पूजा, तो सारे बंगाल वासियों को ह्यूमन राइट्स काउंसिल का तरफ से दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही साथ जिन्हें भी पंजाबी प्रावा सड्डा पंजाब छड़ के बंगाल से रहते हैं सारे उन्हें से कहना चाहेंगे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, गुरु नानक सच्चे पातशाह साहब जी का जरा 550 साल का जन्म प्रकाश उत्सव हूँ चढ़न रही है, असी सारे पंजाबी प्रावा को बेनती करेंगे कि तुम भी गुरसिख बनो, तो नशा मुक्त हो, नशा मुक्त समाज में बनाओ, तो गुरु सेवा बलो जाओ, गुरु मुख बनो, ते मनमुख चीज़ नू छड़ दो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। यही अपना ह्यूमन राइट्स काउंसिल का तरफ से टोटल समाजवासी को हम यही बोलना चाहेंगे, नशा मुक्त समाज बनाओ, ये नशा मुक्त समाज बनाने के लिए हम लोगों का जो नैतिक दायित्व है उसका पालन कीजिए बगैर किसी को कोसना। धन्यवाद।